महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने श्री राम चौक पर वाटर कूलर का फीता काटकर शुभारंभ किया, जिसके संबंध में महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने बताया कि वार्ड नंबर 69 श्री राम चौक हांसुपुर में वाटर कूलर का शुभारंभ हुआ है। इससे वार्ड के नागरिकों को शुद्ध पेयजल मिलेगा और मंदिर पर अधिकतर श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं, जिससे उनको पानी की आवश्यकता होती है। इससे उनको पानी के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि बरसात के मौसम में शरीर का पानी सूख जाता है, इस समय पानी की बहुत आवश्यकता होती है। इस तरह कार्य सभी को करना चाहिए, जिससे सभी को शुद्ध जल मिल सके। इस अवसर पर वार्ड नंबर 69 के पार्षद लाली गुप्ता, पार्षद प्रतिनिधि दिनेश गुप्ता, शिवम पटवा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इंद्रो वृद स्वस्ति नूका बृहस्पति अधातु अग्नि जीव मानो रचसो विष्णु देवावधकरणे श्रियाम धीराप शांति वनस्पतय शांति शर्व शांति वास्तस्थले कस्तुभम सर्वान् ओम संद्रवाहरणम देव सर्वेदित्री हिजरामाहिनम आभ्याना हि सूत्रम देवलोके अश्वसाद के सर्वे त्रंबके गौरी नारायणी नमस्तुते यादेवी सर्वतेषु कादेने प्रभु भक्तनम देव मानम देव समर्पयामि हे जो पति दीजिए नारियल एक थोड़ा आएंगे बाबा अरे आप हमारे अतिथि हैं सर, आप हमारे अतिथि हैं। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा, वाटर कूलर एक जो आने जाने वाले श्रद्धालु होते हैं सड़क पर, उनको जब प्यास लगती है तो एक शुद्ध जल हम अगर उन्हें पिला सकें तो इससे बड़ा पुण्य का कार्य कोई नहीं होता। ऐसे में गर्मियों के मौसम में इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा रहती है, और बरसात के मौसम में आपके शरीर का पानी जो बहुत निकलता रहता है पसीने के रास्ते, ऐसे में पानी की बहुत आवश्यकता रहती है शरीर को। इसलिए ये बहुत पुनीत कार्य है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मैं विनती करता रहता हूँ कि जो इस तरह के कार्यक्रम करने चाहिए, जगह जगह वाटर कूलर लगें, जिससे लोगों को एक शुद्ध और साफ जल मिल सके। धन्यवाद।